देखिए, उन्हें पता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया है, यदि किसी भी गठबंधन में आती हैं तो अपनी शर्तों पे आती हैं। जब हमने सपा से गठबंधन किया तो आपने देखा होगा कि सपा का गठबंधन में यानी कोई भी बात यदि प्रमुखता से होगी तो वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी के हिसाब से चलेगी। और ये लोग जितने भी दल मिले हुए हैं, ये कभी भी बहन जी के मतलब कि उनकी तो बात को यादव चूक कर गए क्या? बिल्कुल चूक कर गए। उन्हें ये एहसास भी होगा, ने पता भी लग गया कि अभी जब उन्होंने कहा कि भाई कौन अखिलेश, कौन अखिलेश बखलेश, कौन अखिलेश बखलेश, हमें तो पता नहीं अखिलेश कौन है, तो छोड़ी अखिलेश बखलेश, हाँ छोड़ी अखिलेश को, और मतलब यहाँ कोई उनका वो जनाधार नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये, हम लोग तो प्रैक्टिकल लोग हैं, हमने पिछली बार जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन रही थी तब हमने दो विधायक का समर्थन देकर मतलब वहाँ बनाई, यहाँ पर उनकी एक सीट कम थी, हमने 6 सीट देकर बनाई, तो और उसके बाद उन्हें 6 के 6 हमारे अपने दल में विधायक तोड़ लिए और अपने दल में मिला लिए। तो उनका तो हमेशा का ये रवैया रहा है कि किस तरह मतलब बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जाए, वो अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आती, ये तमाम पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ बनी, आप सब जानते हैं, आज ही कांग्रेस से समझौता कर रही है, तो इनकी विचारधारा कहाँ चली गई? देखिए, वो उनका लालच है कि भाई हम कैसे मतलब जो ना सत्ता के अंदर आए। हमारा लालच सत्ता में आने का नहीं है, हमारा लालच इस देश के अंदर अपने मूवमेंट को इस देश के अंदर चलाना है कि गरीब का बेटा इस देश का हुक्मरान कैसे बने, ये हमारी प्रमुखता है, इस बात की लड़ाई है। और ये दूसरे लोग कहते हैं ठीक है सर आप मूवमेंट चला रहे हैं लेकिन सत्ता भी तो जरूरी है ना, उद्धार तो उसी से होगा। लेकिन लड़ाई तो हम उसी की लड़ रहे हैं कि भाई मगर पहला प्रमुखता हमारी जो है ना मूवमेंट है, उसके बाद जो है ना सत्ता राजनीति है, और उसको हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना के दिखाई, मगर जब सरकार बनी तो सारे दल ने इकट्ठा होकर सब ने मिलकर BSP को हराने का। कुछ बसपा में कमी है जिनमें सुधार करने की जरूरत है अभी वर्तमान? देखिए, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं चाहे कोई भी दुनिया में जो पैदा हुआ है परफेक्ट नहीं है, और समय समय पर यदि गलतियाँ भी होती हैं तो आने वाले वक्त में जो है ना गलतियाँ आपको सुधारने का मौका देती हैं और उनको सुधारा जाएगा, और उनको आगे यदि मौका मिलता है तो वो चीज़ जो देखने को पहले मिली है वो आपको नहीं मिलेगी। सर आप बहन जी के करीबी हैं, पुराने नेता हैं, दिल्ली में लंबे समय से आप यहाँ पर हैं, दिल्ली में स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? देखिए, दिल्ली में कुछ कारण रहे हैं कि हमारे टिकट का मतलब जो है 2 हमारे सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काटना, और उसके बाद मतलब क्योंकि हमारा जो बेस वोट थे गुजर और जाटव, 2 हमारे सिटिंग विधायक थे, हमारे प्रभारी महोदय ने किसी ने मतलब उन टिकट को काटा, और काटने के बाद मतलब जब तक नहीं काटा था हम 14.6% पे थे, जैसे ही वो उनका टिकट काटा तो हम 1.5 पर आ गए, तो उसके बाद जनता का एक विश्वास मतलब टूटा मतलब पार्टी से कि इन्होंने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया तो फिर आगे कैसे बात बनेगी। तो उस समय हमारा इस विश्वास को लाने के लिए क्या किया जाए, अब उसके लिए देखिए उसके लिए हम लोग प्रयास, इंजन का कहना है कि भाई अब हमें संगठन को अपना मजबूत करना है, लोगों के बीच में जाके बताना है कि जो गलतियां पहले हम मतलब जो ना लोगों ने की हैं वो गलतियां अब जो इस समय हमारे जो प्रभारी हैं या जिम्मेदार साथी हैं वो इस गलती को किसी भी कीमत पर नहीं दोहराएंगे, और हमने निगम के चुनाव में ये करके भी दिखाया कि जिनको एक बार हमने कह दिया कि भाई हम लोग आपको टिकट देंगे उसी को टिकट दिया गया, एक भी टिकट मतलब जो ना पूरी दिल्ली में नहीं बदला गया, तो लोगों को विश्वास आया कि उन्होंने मतलब इस बार 1.83% हमें वोट भी दिया। कोऑर्डिनेटर और जो प्रभारी बदनाम है तो सही है BSP के जो हैं, कुछ गलतियां हुई हैं इनसे? नहीं, कुछ लोग हैं जो गलती करते हैं, उसमें कोई भी आदमी हो सकता है, क्योंकि वो अपनी सोच से मतलब उस समय काम करते हैं और जब ये काम होता है तो उसमें नुकसान मतलब पार्टी का होता है। कई लोग कहते हैं कि बहन जी जो है ना समाज के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है, ये बहन जी ने कभी भी मतलब समाज के हित को ध्यान में रखते हुए उसको पहले प्रमुखता दी है, उसके बाद मतलब जो सेकेंडरी बात उन्होंने हमेशा रखी है, इसलिए वो कभी भी मतलब बहुजन समाज पार्टी के को जो ना किसी भी ऐसी जगह ले जाकर नहीं खड़ा करेंगे जहाँ हमारे समाज का अपमान हो या जहाँ हम लोग अपने सम्मान को ना बचा पाएँ, तो हमेशा वो अपने सम्मान को अपने समाज के सम्मान के प्रति सचेत रहती हैं, और उन्होंने हमेशा ये करके दिखाया, साबित भी किया है। इस देश के अंदर आज चाहे अठावले हो चाहे रामविलास पासवान, अब तो इस दुनिया में नहीं है, ये सारे लोगों ने मतलब जो है BJP को सरेंडर किया। भाई यदि बहन जी की निजी स्वार्थ होता तो बहन जी भी समझौता कर सकती थी। दलित नेता कोई भी उठता तो पहले बहन जी को गाली देता सर। नहीं, क्या वजह है? ये तो देखो, कोई भी नया दलित नेता आएगा पहले बहन जी को गाली देगा। देखो, बहन जी से लड़ाई है उनकी जी। देखिए, ये तो कांसीराम साहब ने कहा था कि ये लोग चमचे के भी चमचे हैं, ये इनको ये काम दिया जाता है कि भाई ये काम आपको करना है, यदि ये काम नहीं करेंगे तो आपकी TRP कैसे बढ़ेगी, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ को कैसे पनप जाएगा, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ मतलब खुराबात करेगा, तो जब तक उसका विरोध नहीं करेंगे तो कैसे इनका इन्हें कौन पूछेगा।
तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहन जी का विरोध करते हैं और मतलब जना पार्टी का विरोध करते हैं, और होना जाना इनसे कुछ है नहीं, ना आज तक हुआ, आज भी मतलब जना बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की ताकत, इतने विरोध के बाद भी सर एक नेगेटिव छवि है या ये सच बात है कहा जाता कि आप लोग बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं वहाँ से यहाँ का टिकट नहीं, जब हम मीरा कुमार का समर्थन करते हैं तो हम मतलब बीजेपी के नहीं होते उस समय, यदि हम लोग जना मुर्मू का समर्थन करते हैं तो हम बीजेपी के हो जाते हैं, वहाँ मुर्मू का मतलब समर्थन करने का मकसद है एक मतलब जना महिला और वो भी आदिवासी महिला, तो उसका समर्थन हम उन लोगों ने किया, तो यदि क्योंकि हमारी जो बहन जी हैं वो बिल्कुल पूर्णतः जो सच्चाई की राजनीति उसके साथ चलती हैं, वहाँ उस समय देख ये जो सारा खेल हुआ है मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ उसके पीछे कहा जा रहा बसपा है। नहीं अब कहने वाले कौन क्या कहता है ये तो वो जाने, इसका जवाब तो वो देंगे, हम अपने काम पर लगे हैं, मगर हम लोग छत्तीसगढ़ में और अपना राजस्थान में मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में चुनाव जीना अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, और आप देख भी रहे होंगे यहाँ का जो मेन मीडिया उसे दिखाने का काम नहीं कर रहा, मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप जैसे सोशल मीडिया के लोग मतलब जो प्रचारित करके बहुजन समाज पार्टी का सर, कांग्रेस समझ रही है क्या कि बसपा से हमें ज़्यादा फायदा होगा सपा की बजाय? भाई हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा वोट जो है ना कितने प्रदेश में है मैं आपको गिनवा देता हूँ, पंजाब में हमारा वोट है, हरियाणा में हमारा वोट है, राजस्थान में हमारा वोट है, मध्य प्रदेश में हमारा वोट है, छत्तीसगढ़ में हमारा वोट है, तेलंगाना में हमारा वोट है, कर्नाटक में हमारा वोट है, सारे मतलब राज्यों में उत्तराखंड में हमारा राज्य है, जम्मू कश्मीर में हमारा मतलब उसमें हमारा वोट है, तो बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश के अंदर वोट है, ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं ये अपने क्षेत्र में। वजह है क्या जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे? देखिए मतलब जना वो जो सोच रहे हैं उनका सोचना बिल्कुल सही है, बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक ताकतवर पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और उसका वोट पूरे देश में है, बाकी किसी भी पार्टी का वोट जना पूरे देश में नहीं है, और कोई भी ना तो लालू प्रसाद नेशनल पार्टी बना पाया, ना मुलायम सिंह बना पाया, ना अजीत सिंह बना पाया, ना चौटाला बना पाया, ये जितने भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं ये अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। तो उम्मीद की जाए गठबंधन में शामिल हो सकती है बसपा अगर शर्तें पूरी हो जाती हैं उसकी? देखिए हम कोई भी मतलब समझौता हमारी नेता करती है तो बहुजन समाज पार्टी के हित को और बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखते हुए करती है, तो यदि कोई ऐसी बात आएगी अभी तो है नहीं हाल फिलहाल मतलब कोई, हमारी नेता ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि भाई हम एकल चलो अपने बलबूते पे चलो, इनके किसी का सहारा नहीं लेना है। यदि कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई उन्होंने कहा सपा से गठबंधन करने में एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है हमें कि सपा का वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं होता जी, बसपा का वोट गठबंधन में ट्रांसफर हो जाता है दूसरे प्रत्याशी पे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। देखिए बहुजन समाज पार्टी का वोट जिधर बहन जी इशारा करेंगी उधर जा सकता है, ट्रांसफर हो जाता और ये यहाँ का देश का बच्चा जानता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बहन कुमारी मायावती जी के कहने पर ट्रांसफर हो सकता है, मगर किसी भी दल का वोट जो है ट्रांसफर नहीं होता, हम लोगों ने जब सपा से गठबंधन किया तो हमारा वोट तो उन्हें पड़ा मगर उनका वोट हमारी तरफ नहीं आया, और नहीं तो मतलब उसी समय मतलब हम कम 40 से 50 सीट हमें जीतनी चाहिए थी, उसका ये रीज़न है, घर की सीटें भी हार गई, वो घर की जो उसकी पर्सनल सीट थी उसे भी वो हार गई, तो ये जो मतलब सीन देखने के लिए मिलता है ये है जातिवाद जिसका मेन कारण है, क्योंकि लोग आज भी अपनी जाति कहा जा रहा सर नई कांग्रेस है राहुल गांधी नए हैं सब चीज़ें नई हैं, अब देखिए नई बहुत तेजी से बदला, देखिए नई कोई चीज़ नहीं होती, खून में ये जातिवाद घुसा हुआ है, जब तक इस देश का जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं, हम इस देश के अंदर चूल मूल परिवर्तन करना चाहते हैं, जो ऊपर है उसे नीचे आना चाहिए, नीचे उसे ऊपर आना चाहिए, हम तो बराबर की लाइन खेलना चाहते हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि उसको व्यवस्था को उल्टा कर दें। कितना खतरा है बसपा को? 0%, हमें किसी से खतरा नहीं है, हमसे सबको खतरा है, पर युवा साथ है सर, देखिए ये भी नहीं, युवा देखिए युवा हमेशा मतलब जो ना अपनी मतलब जोश की बात करता होश की बात नहीं करता, बहुजन समाज पार्टी पूरे होश से जो ना चुनाव लड़ती है लड़वाती है, और एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का होश में है और होश में रहकर राजनीति करता है, जो ये संगठन खड़े हुए हैं या ये पार्टी बनी है एक आप पूरे देश में एक वो इंस्टेंट बताओ कि वो कहीं गया हो और वहाँ कोई न्याय दिला के आया हो, जहाँ गया है 100 लोगों पे FIR दर्ज हुई मुकदमे दर्ज हुए वो लोग बेचारे रो रहे हैं, समाज में उम्मीद बहुत है। देखिए सर देखिए उम्मीद ये ना समाज हमारा मतलब ये ना कांशीराम साहब भी बोलते थे कि हमारा जो समाज का जोश है वो जो ना जैसे पेशाब करते हैं ना उसका झाग उठता है, जैसे झाग उठेगा उसके बाद तुरंत बैठ जाएगा, तो ये जोश हमें नहीं चाहिए, हमें परमानेंट जोश चाहिए,
कि जिससे मतलब हम लोग इस देश के हुक्मरान बन सकें। तो ये मार काटकर जुनून तो पैदा किया है। देखिए जुनून मतलब जुनून की जरूरत नहीं है, जुनून से मतलब ये ना कोई मतलब इस तरह की बात नहीं होगी। राजनीति लेना की सत्ता लेना मतलब ये जुनून से नहीं ली जाएगी, ये दिमाग से और जो ना मिशन मूवमेंट के आधार पर ली जाएगी। आप किसी से मतलब ये ना मतलब ताकत से सत्ता नहीं खींच सकते। आप मतलब ये ना होश और आवाज में रह के मतलब ये ना जब तक राजनीति नहीं करेंगे जब तक बात नहीं बनेगी। वो समाज इतना एडवांस है, कांशीराम साहब बोलते थे कि भाई आप धरना प्रदर्शन करते हो, आप जानते हो सरकार में कितनी ताकत है, उसके बाद कितने बम हैं, कितने एटम बम हैं, कितनी गोलियां हैं, कितनी बंदूकें हैं, कभी आइडिया लगाया है? यदि वो उन्होंने अब तुम्हारी तरफ कर दिया तो तुम कहाँ भागोगे? एक एक को मतलब भून देंगे वो लोग। तो मतलब यदि लड़ाई लड़नी है तो ईमानदारी से मतलब वोट की लड़ाई है कि आप ईमानदारी से 5 साल में एक बार अपना वोट उस पार्टी को दे दो जो इस देश के अंदर आपको हुक्मरान बनाना चाहती है। तो ये मतलब ना मार कूट से, गुस्सा करने से या झगड़ा करने से या प्रदर्शन करने से बात हमारी बनने वाली नहीं है। जब जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ेगी, जब जब बहुजन समाज जागेगा, इसी तरह के गठबंधन होंगे। और वो गठबंधन का उनका मकसद क्या है? एक तरफ 38 दल खड़े हैं, एक तरफ 28 दल खड़े हैं, और बहुजन समाज पार्टी जो इस देश के अंदर 100 में से 85 समाज की लड़ाई लड़ती है, वो अपने पक्ष पर खड़ी है कि हम इस देश के अंदर अपने पैरों पर अपने बलबूते पर सरकार बनाकर इस देश की शासन मतलब करता जमात बनना चाहते हैं। और ये जितनी भी पार्टी हैं ये कभी भी बहुजन समाज को ये ना इस देश का राजा नहीं बनाना चाहते। तो इसलिए वो लोग चाहे कितने गठबंधन बना लें, उनकी सोच वही है कि उनको लगा कि बीजेपी की एंडिंग लहर चली हुई है, तो इस उन्हें लगा कि यदि बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो किसकी बननी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस को आगे कर दिया। अब कांग्रेस ने जितने भी छोटे छोटे दल हैं उनको इकट्ठा कर लिया कि 26 या 28 दल इकट्ठे हो गए। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इस देश के अंदर अपने बलबूते पे इस समाज को लड़ाई लड़कर उसे हुक्मरान बनाना चाहती है, मगर ये लोग नहीं चाहते कि बहुजन एक तीसरा पक्ष यहाँ पर बने। उन्हें पता है कि आज बीजेपी नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, यदि और इससे नीचे कांग्रेस जाती है तो BSP नंबर 2 पर आएगी। तो इसलिए उन्हें पता है कि यदि 2 नंबर पे BSP आ गई तो यहाँ का बहुजन समाज इतना मतलब जानता है कि बहन जी के लिए इतना पागल है कि वो उन्हें नंबर 1 पहुँचाने में 1 सेकंड लगाएगा। तो इसलिए वो लोग ये रणनीति बनाते हैं कि भी किसी भी तरह से कि बहुजन समाज पार्टी की जो बढ़ती हुई ताकत है ये हमेशा कमजोर रहनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछड़ों को न्याय, अधिकार, हिस्सेदारी हम देंगे उनको, हमको 2024 में वोट दीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए। अभी उनकी राजस्थान में सरकार है या अन्य राज्य में सरकार है, पहले उसको मतलब प्रैक्टिकल कर देना चाहिए कि मैं ये रोल मॉडल है मेरा, ये मेरी राजस्थान में सरकार है, यहाँ कर्नाटक में सरकार है या और जगह सरकार है, तो यहाँ पर मतलब ना मैं ये पहले करके दिखा देता हूँ। यदि मैं करके दिखाऊँ तो लोगों का विश्वास आएगा ना कि भाई ये केंद्र में जाएगा तो मतलब ये काम करेगा। और उससे पहले तो सरकार उन्हीं की थी। गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल 100% गुमराह कर रहे हैं ये लोग सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद उनको काम वही करना है कि देश के अंदर उनका किस तरह मनुवाद चलता रहना। 2024 में बसपा की क्या स्थिति है, कहाँ खड़ी है? देखिए बहुजन समाज पार्टी ये इस देश के अंदर साहू और फूलेकर डॉक्टर अंबेडकर जी का और कांशीराम साहू का मिशन है, वो इस मिशन को इस देश के अंदर जिंदा रखना चाहती है। हमारी लड़ाई जीत और हार की बाद में है, हमारी लड़ाई है कि मूवमेंट इस देश के अंदर चलता रहना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी हर समय जब भी चुनाव इस देश के अंदर हुआ है उसके वोटर परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, तो ये मैं मान सकता हूँ। महापुरुषों की बात तो सभी कर रहे हैं ना, देखिए सभी माला पहना रहे हैं। देखिए महापुरुषों की बात ये वो क्यों कर रहे हैं कि एक जगह एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, बड़ी मुश्किल से एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज की बनी है, तो वो बहुजन समाज पार्टी में वो वोट ना जाकर उनके पक्ष में आना चाहिए। तो वो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बाबा साहब का या कांशीराम साहब या अन्य महापुरुषों का फोटो लगाते हैं। उनकी विचारधारा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फोटो इसलिए लगाइए कि इन लोगों का हम लोग वोट ले लें।